जिला अस्पताल में 45 साल के ऊपर के व्यक्तियों को कोविड का टीकाकरण जारी है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि जनपद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज तथा 10 सीएचसी और 25 प्राइवेट हॉस्पिटल में टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का कहर जारी है, बड़े बड़े शहरों से लोग घर वापस आ रहे हैं और अगर आपके घर कोई बाहर से व्यक्ति आता है उसको एक कमरे में आइसोलेट कर दें तथा उस व्यक्ति से दूरी बनाकर ही रहें। सभी लोग मास्क का प्रयोग करें तथा अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। बाहर से आए व्यक्ति अगर 2 हफ्ते तक घर में आइसोलेट रहते हैं तो वह 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले नागरिकों तथा सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा। बजरंग शाही। कोविड का टीका लगाया, कैसा लग रहा है? कैसा? अच्छा लग रहा है। कोई समस्या टीके? कोई नहीं। आप लोग क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? ये यही कहेंगे सब लोग लगवा लें। कहाँ से आए आप? हम देहात से आए हैं। टेस्ट किया गया, कैसा लग रहा है आपको? ठीक रह रहा है। कोई समस्या? अभी तो नहीं कुछ समस्या। कहाँ से आए? गोरखपुर से। आज जो है मंगलवार है, हमारे सीएससीज पे चल रहे हैं, हमारी 19 सीएससीज हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है और हमारे जिला अस्पताल पुरुष, महिला और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और बाकी हमारे करीब 25 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी वैक्सीनेशन चल रहा है। सर, उसको अपील करना चाहेंगे आम नागरिक को? ये हम अपील करना चाहते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव शुरू हो गई है, बड़े बड़े शहरों से लोग घर वापस आ रहे हैं और वो किसी तरह से वो कोरोना मर्ज को लेके आ रहे हैं और आपके घर में कोई आता है तो उसको अपने ही घर में एक जगह पर उनको उसको आइसोलेट कर दें, लोगों से दूरी बना के उससे सब लोग दूरी बना के रखें, मास्क पहने, हाथ को बार बार धोते रहें, भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल ना जाएं। जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं वो स्वतः ही 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, लेकिन 2 हफ्ते तक उनसे संपर्क में सभी लोग ना रहें, उसको एक कमरे में दूसरे कमरे में रहें और उसको आइसोलेट करके रखें, जिससे कि बीमारी आप घरों में न फैलेगी, लोगों में नहीं फैलेगी और बीमारी को नियंत्रण में लाया जा सकता है।